हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं जो आप बकाने का एक ऐसा रामबन उपाय आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ जो 100% वर्क करती है, और इसके इस्तेमाल से आप मिनटों में ही चूहा को घर से बाहर भगा सकते हैं, फिर दोबारा कभी भी चूहा लौट कर नहीं आएगी। चूहा एक ऐसा जिद्दी जीव है जो एक बार घर में आ जाती है तो ये घर से बाहर जाना नहीं चाहती है, और उसके कई कारण होते हैं। अगर घर में बहुत ज़्यादा स्टोरेज है, बहुत सारी छुपने की जगह है, तो चूहा उस पर छुप के बैठी रहती है, घर से बाहर नहीं जाना चाहती है। खाना अगर उनको आसानी से मिल जाती है, खाने पीने की चीज़ें, तो इस वजह से भी चूहा घर से बाहर नहीं भागती है। लेकिन चूहा अगर घर में है तो बहुत ज़्यादा गंदगी होती है, बदबू होते हैं, और ये चीज़ों को बहुत नुकसान करती है। महंगे महंगे कपड़े, फर्नीचर, शूज़ ख़राब कर देते हैं, तो इसलिए इनको घर से बाहर भगाना बहुत ज़रूरी है। तो आज जो मैं रेमेडी बताने वाली हूँ, जो सॉल्यूशन बताने वाली हूँ, बहुत ही आसान है। कोई भी मिनटों में ही बना के इस सॉल्यूशन से चूहा को घर से बाहर भगा सकता है। तो इसके लिए हमें चाहिए 10 से 12 काली मिर्च। अगर आपके पास पाउडर है तो पाउडर ले सकते हैं, नहीं तो साबुत काली मिर्च है उसको आप किसी भी बर्तन में रख के या फिर पेपर में लपेट के हल्का सा दरदरा कूट लीजिए, जिससे कि इसका जो तीखापन है, जो कड़वापन है, वो आसानी से आ जाए। वैसे मार्केट में पाउडर भी बहुत ही आसानी से मिल जाती है, तो अगर पाउडर है तो वो भी आप ले सकते हैं। 10 से 12 काली मिर्च का पाउडर जितना होता है उसके हिसाब से ले लीजिए। इसमें हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें ऐड करेंगे जो बहुत स्मेल जिसकी होती है और जिसके स्मेल से चूहा को प्रॉब्लम होने वाली है। तो मैं ले ली हूँ काली मिर्च पाउडर, और अब इसमें रखने वाली हूँ कपूर। कपूर की जो खुशबू है वो काफ़ी अच्छी होती है, और इससे हर तरह के कीड़े मकोड़े को दिक्कत होती है, चूहा को भी प्रॉब्लम होती है। तो 2 कपूर की टिकिया को पाउडर बना के रख लेना है। ये बहुत छोटी छोटी है तो मैं 3 लूँगी। और कपूर बहुत जल्दी उड़ जाती है अगर आप खुले में रखते हैं कपूर को, डब्बे में नहीं रखते हैं तो आप देखेंगे कि कपूर उड़ जाती है। तो इसके लिए हम कुछ चीज़ें और इसमें ऐड करेंगे जिससे कि कपूर की खुशबू बरकरार रहे। तो अब इसमें मैं रखने वाली हूँ 2 लहसुन का जवा। लहसुन रख लीजिए, या फिर आप थोड़ा सा प्याज भी ग्रेट करके ले सकते हैं, या फिर पेस्ट है लहसुन या प्याज का तो वो भी आप रख सकते हैं। लहसुन और प्याज की जो स्मेल है, जो दुर्गंध है, वो काफ़ी तेज़ होती है और काफ़ी देर तक रहती है ये घर में। जब आप प्याज काटते होंगे या लहसुन छीलते होंगे तो उसकी खुशबू काफ़ी देर तक हाथ में रहती है, तो इसकी खुशबू से चूहा को काफ़ी दिक्कत होती है, तो हमें इसे भी ग्रेट करके ले लेना है। 1 मिनट से 2 मिनट लगते हैं इस सॉल्यूशन को बनाने में, पर इसके इस्तेमाल से आप देखेंगे तो कुछ ही देर में सारे ही चूहे जो घर के अंदर छुपे होंगे वो सारे ही भाग जाएंगे। कुछ बातों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि शाम होते ही सारे खिड़की दरवाजे अच्छे से बंद कर लीजिए, क्योंकि कई बार चूहे बाहर से आते हैं और वो शाम के टाइम में ही आते हैं, जब अंधेरा हो जाती है, लाइट ऑफ होते हैं तो आते हैं। तो शाम होते ही खिड़की दरवाजे बंद कर लीजिए। दूसरा, घर में कबाड़ इकट्ठा करके नहीं रखिए, जो वेस्ट चीज़ें हैं जिसका आप इस्तेमाल नहीं करते हैं तो उसे घर से बाहर निकाल दें, क्योंकि छुपने की जगह या कूड़ा कबाड़ घर में ज़्यादा होती है, इसी वजह से चूहा आते हैं और फिर वो जाना नहीं चाहते हैं। खाने पीने की चीज़ों को भी छुपा के रखें, खुले में ना रखें, तो जिससे कि चूहा को खाने पीने की चीज़ें नहीं मिलेगी तो वो घर के अंदर अगर आ भी जाते हैं तो फिर वो रहेंगे नहीं, भाग जाएंगे, क्योंकि खाने पीने की चीज़ें आसानी में से मिल जाती है तभी चूहा घर में रहते हैं और वो बाहर जाना नहीं चाहते हैं। तो अब इसमें मैं रखी हूँ कोलगेट पेस्ट। आप कोई भी पेस्ट ले सकते हैं, पेस्ट की खुशबू भी बहुत अच्छी होती है और काफ़ी दिनों तक रहती है। कहीं पर भी अगर पेस्ट आप लगा देते हैं तो आप देखेंगे, एक तो बहुत जल्दी ये सूखती नहीं है, कई दिनों तक ऐसे ही रहती है गीली, और दूसरा इसकी जो खुशबू है वो कई दिनों तक रहती है, तो ये भी चूहा को भगाने में काफ़ी हेल्प करती है। ध्यान रखिएगा कि इसमें पानी मिक्स नहीं करना है, क्योंकि लहसुन रखी हूँ और पेस्ट रख रही हूँ तो ये बहुत अच्छे से एक गाढ़ा रेमेडी तैयार हो जाती है। तो थोड़ा सा मैं पेस्ट और रखी हूँ, कम लग रहा था। आपको इस सॉल्यूशन को जितना बनाना है उसके हिसाब से ये सारी चीज़ें कम या ज़्यादा ले सकते हैं। तो ये बन के तैयार है, और अब हम इसको क्या करेंगे, जहाँ जहाँ हमें लगता है कि चूहा छुपते हैं या फिर जहाँ से आने के चांसेस है चूहा को, वहाँ पर थोड़ा थोड़ा इस सॉल्यूशन को दीवार में लगा देना है। ज़रा सा आप इस सॉल्यूशन को लगाएंगे और आप देखेंगे सारे ही घर में जो लहसुन की खुशबू है, जो कोलगेट पेस्ट की कपूर की खुशबू है, ये पूरे घर में फैल जाएगी
और चूहा अगर कहीं बिल बनाए हुए है तो वहाँ तो लगा ही दीजिएगा अच्छे से, और थोड़ा सा बिल के पास भी लगा दीजिएगा, जिससे कि चूहा अगर उसमें छुपा हुआ है तो वो तुरंत निकल के भागेगा, या फिर छुपने के लिए आएगा तो वो उसके अंदर नहीं जाएगा उसकी स्मेल से। तो इस तरह से घर के हर एक कोने में, जैसे स्टोर रूम हो गया, किचन हो गया, मेन गेट हो गई, तो वहाँ पर हर जगह पर आप थोड़ा थोड़ा इस सॉल्यूशन को लगा सकते हैं, वॉश बेसिन के नीचे, किचन सिंक के नीचे, क्योंकि कई बार होता है कि नाले द्वारा भी चूहा आ जाती है, पाइपलाइन द्वारा आ जाती है, तो वहाँ पे आप इस तरह से सारे सॉल्यूशन को थोड़ा थोड़ा करके लगा दीजिए। ये इतना अच्छा काम करती है ना, क्योंकि लहसुन की जो दुर्गंध है, जो कोलगेट पेस्ट की दुर्गंध है, कपूर की दुर्गंध है, ये इतना तेज होती है कि आप एक बार इसका बना के और इस्तेमाल करके देखिएगा, बहुत ही बढ़िया ये काम करती है। तो मैं इस तरह से थोड़ा थोड़ा हर जगह लगा दी हूँ, और मेन गेट पे तो ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि ज़्यादातर चूहा बाहर से ही आती है, तो इसलिए मेन गेट पे लगा दीजिएगा। और शाम के टाइम में खिड़की दरवाजे अच्छे से बंद कर लीजिए, जिससे कि चूहा बाहर से घर के अंदर ना आ सके। और घर में अगर कचरा है तो उसे बिल्कुल ही घर के अंदर ना रखे, बाहर निकाल दे, जो काम की चीज़ें नहीं है उसे नहीं रखिए। और अगर स्टोर रूम में अनाज स्टोर करके रखते हैं तो वहाँ पर कई जगह आप इसे पेपर पे रख के या फिर पन्नी पे रख के रख सकते हैं अनाज के पास, जैसे कि इसकी स्मेल से चूहा स्टोर रूम में बिल्कुल ही ना आए। बहुत ही बढ़िया सोल्यूशन है, एक बार बना के ट्राई करके जरूर देखिएगा, ये 100% काम करती है। इतना बच गया है तो ये मैं वॉश बेसिन के नीचे, किचन सिंक के नीचे लगाने जा रही हूँ। तो कैसा लगा आज का ये सोल्यूशन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा फैमिली एंड फ्रेंड के साथ। बाय बाय, टेक केयर।